अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आई एम रियली सॉरी काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी मसरूफ़ था और जो है मौसमी तब्दीलियों के असरात थे, क्योंकि हमारे शहर लाहौर की फ़िज़ा जो है अब काफ़ी आलूदा हो चुकी हुई है। खैर, आज की जो हमारी ये टॉक है इसमें जो पेपर्स 2017 या 16 के हैं IR करंट अफेयर और पाक अफेयर्स के, मैं उनके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है पढ़ के बताने की ये कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता, उन्हें टॉपिक आता है लेकिन उन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता। इसके अलावा मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन या गेस्ट बता दिया जाए, तो वो भी है। तो लेट्स बिगिन विद IR, ठीक है। IR का 2017 का जो पेपर आया उसकी वजह से जो है लोग काफ़ी घबरा गए इस रिज़ल्ट के बाद, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और उनकी स्टेटमेंट्स जो है आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको वाज़े हो जाएगा कि दरअसल उस क्वेश्चन में एक्चुअली लिखना क्या है। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द असेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट थियरीज? In your opinion, why is realism the most dominant theory in the discipline of international relations? Okay जी, क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा 10 नंबर का है और दूसरा हिस्सा भी 10 नंबर का है, सॉरी। तो पहले हिस्से में आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखने के बाद, जिसमें आप चाहें तो बता सकते हैं कि जो थेरीज होती हैं वो किसी भी एकेडेमिक डिसिप्लिन का इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट होती हैं उसको समझने के लिए, और इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि IR की जो थेरीज हैं वो उसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स थेरीज। आप जो भी थेरी IR की पढ़ते हैं आपको ये लगता है कि इससे बेहतर थेरी कोई नहीं, लेकिन कौन सी थेरी अडॉप्ट की जाए या कौन सी नहीं। इंट्रो के बाद आपने डिफरेंसेस बताने हैं एसेंशली जो के हैं बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरल इंटरनेशनलिज्म। अब लिबरलिज्म के काफ़ी जो है एस्पेक्ट्स हैं, उसकी टाइप्स हैं, तो यहाँ पे जो टाइप पूछी गई है आप उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको बताएंगे। इसके अलावा जो इसका दूसरा हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से में वो कह रहा है कि वाई इज़ रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। वेरी सिंपल, द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट पावर पॉलिटिक्स। आप देखें, पाकिस्तान, इसराइल और इंडिया ने अगर NPT ज्वाइन नहीं की और फिर सर्कमस्टेंसेज जो हुए, तो पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए, तो ये सब मूव्स, ड्राइव्स, मैनूवर्स जो थी ये पावर पॉलिटिक्स है, राइट? कि पावर को बैलेंस करने के लिए या पावर मैक्सिमाइज करने के लिए या सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने के लिए। इसी तरह US इज स्टिल इन अफगानिस्तान, US वेंट टू इराक, और इसके साथ साथ जो है अभी डील हुई है एक आर्म्स डील बहुत बड़ी हुई बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड द US, और इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो पावर पॉलिटिक्स में दी जा सकती हैं। इंडो US अलायंस की एग्जांपल भी पावर पॉलिटिक्स में दी जा सकती है। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था लास्ट टाइम आया, इट वॉज ए सरप्राइज फॉर बोथ, फॉर मेंटोर्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम सिलेबस की आउटलाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू IR, और ये जो इसने जिक्र किया है जिन थेरीज का, वो थेरीज रिसर्च मेथडोलॉजी जो IR में है उससे रिलेटेड हैं, ना कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स की थेरीज हैं, जैसा कि रियलिज्म, जैसा कि लिबरलिज्म, जैसा कि क्रिटिकल थेरी, जैसा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या है। वेरल इट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वॉज सरप्राइजिंग फॉर ऑल, लेकिन उसने एग्जामिनर ने लिबर्टी कहाँ से ली है? दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू IR, द फर्स्ट बुलेट ऑफ द सिलेबस। The positivist and post-positivist debate offers a striking contrast in terms of approach and methodology to study to the study of international relations. Describe, compare and critically evaluate the divergence between the two debates. Are there any point of convergence?
अगेन इस सवाल के भी दो हिस्से हैं, लेकिन इन दो हिस्सों में पहले ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, लिबरलिज्म और इनके ऑफशूट्स, ये सारी थेरीज जो हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच और मैथडोलॉजी ऑफ आईआर में आती हैं। पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो थी रिसर्च की सोशल साइंसेज में आई और ये इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आई, तो इसलिए ये आईआर में भी इसका इम्पैक्ट है। अब 80s के बाद एक डिफरेंट अप्रोच आती है जो कि है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच में आपकी थेरीज आ जाती हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, क्रिटिकल थेरी एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारी 80s के डेकेड या एट द एंड ऑफ 70s आई, तो ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं। अब वो ये कह रहा है कि आप पहले तो डिफरेंसेस बताएं कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस में क्या डिफरेंट है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रियलिज्म और लिबरलिज्म जो है ये आपको एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं, राइट, जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थेरीज हैं वो सब्जेक्टिविज्म पे बेस्ड हैं, और रियलिज्म और लिबरलिज्म ऑब्जेक्टिविज्म पे बेस्ड हैं। एक फर्क ये है, और इसके अलावा यहाँ पर ये है कि जो अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को देखें या फेमिनिज्म को देखें तो दे आर क्रिटिसाइजिंग द वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय द पॉजिटिविस्ट, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग ए सोल्यूशन, राइट। तो बहरहाल ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट का सवाल है। आई होप नाउ इट विल बी इजियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं तो academia.edu पे कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिविस्ट थेरीज का और पोस्ट पॉजिटिविस्ट थेरीज का डिफरेंस समझा सकते हैं। कोई एक डॉक्यूमेंट शायद मेरे पास भी है, वो मैं CSS क्लब में अपलोड कर दूंगा, तो यू विल सी दैट। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द नेशन स्टेट सिस्टम इज इन ए फ्लक्स विद एन इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड एंड अनदर प्रोजेक्टेड फॉर कैटलोनिया इन सितंबर 2017, क्रिटिकली इवेल्युएट रीजंस एज टू व्हाई मॉडर्न नेशन स्टेट इन यूरोप फेसेस इंटरनल चैलेंजेस टू इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अच्छा देखें, ये सवाल जो है इसमें दो कॉन्सेप्ट ब्लेंड किए गए हैं। एक कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट सिस्टम जो कि हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद यूरोप से ही मिला, और इस वक्त दुनिया में जितनी 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएनओ की, वो नेशन स्टेट सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड हैं। अगर हम इस्लामिक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट देखें, जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो तो एक एम्पायर का कॉन्सेप्ट है, ऑल मुस्लिम स्टेट्स शुड बी इन द वन स्टेट, और हमारे पास जो लास्ट इंप्रेशन एम्पायर का था वो था ऑटोमन एम्पायर विच इज नो मोर नाउ। तो इस वक्त जितनी भी स्टेट्स हैं वो वेस्टफेलियन नेशन स्टेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम आया था यूरोप से और फिर पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन इस वक्त यूरोप जो कि डेवलप्ड समझा जाता है, स्पेशली द वेस्टर्न यूरोप, उस वेस्टर्न यूरोप में इस सिस्टम को स्पेन और यूके जैसे डेवलप्ड स्टेट्स में चैलेंजेस का सामना क्यों है, राइट, क्योंकि जो नॉन डेवलप्ड वर्ल्ड है या जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उधर जो नेशन स्टेट्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो तो बात काफी हद तक समझ में आती है, वहां पे नेशनलिज्म भी समझ में आ रहा है क्योंकि ये कॉलोनियल पावर्स जो थी उन्होंने डिवाइड्स की थी। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे नेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में दो केस स्टडीज दी गई हैं, कैटलोनिया जो कि इस साल रेफरेंडम हो भी चुका है और उसने यूरोप में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, और स्कॉटलैंड। तो अब यहाँ पे हम देखें तो 2017 में आईआर के जो पेपर्स आए हैं वो एक्चुअली उनमें ब्लेंडेड हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, जिसको कि हम करंट अफेयर कहते हैं सीएसएस में, उसके अंदर क्या हो रहा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड या थ्योरी ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी, आपने उससे रिलेटेड 2017 या 2016 में अगर कुछ हुआ है तो वो पढ़ के जाना है, और दैट इज जस्ट वन आर्टिकल फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, फ्रॉम एनी गुड मैगजीन यू कैन स्टडी टू हैव अ ब्लेंड ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब द राइज ऑफ चाइना इज बीइंग हेरल्डेड एज रिटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एज द वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी अकाउंट फॉर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इट्स इवॉल्विंग डायनेमिक्स।
दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन को शायद 2017 में बहुत सारे लोगों ने जो है गलत अटेम्प्ट किया. उन्होंने शुरू में देखा बैलेंस ऑफ पावर का फ्रेज, तो बैलेंस ऑफ पावर का जो फ्रेज है उसमें सब समझे कि ये बैलेंस ऑफ पावर का क्वेश्चन है. ये बैलेंस ऑफ पावर का क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन है कि चाइनीज लेड वर्ल्ड कैसी होगी. चाइनीज का वर्जन जो है, जो कि काउंटर नैरेटिव है टू द यूएस वर्जन, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में क्या अपना एक स्टैंस रखते हैं. तो दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट बैलेंस ऑफ पावर, इट इज अबाउट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड द चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर इफ इट विल बिकम पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, राइट. तो ये है एक्चुअली क्वेश्चन. देखें क्वेश्चन के शुरू में जब उसने बैलेंस ऑफ पावर वाली बात की है ना, तो वो उसने स्टेटमेंट दी है और क्वेश्चन स्टेटमेंट के बाद शुरू हो रहा है. तो इसलिए ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसको एक दफा फिर पढ़ें और उसको एक दफा फिर पढ़ें सॉल्व करने से पहले, तो आप जरूर इस बात को समझ जाएंगे कि उसने क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या हुआ है, राइट. उसके बाद है जी, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स attendant manifestation in global politics. Do you agree with the view that economic globalization is a form of neo-imperialism which only stands to exploit in the third world states? अब अगेन दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के. पहला हिस्सा ये है कि वो पूछ रहे हैं आपसे ग्लोबलाइजेशन और इसकी अकरेंस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो न्यू अकरेंसेज हुई हैं, जो चेंजेस आए हैं वो आप बताएं, और उसके बाद आप बता दें कि क्या जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इट्स ए फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी. आपको कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा. बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जिनके कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में है. दे हायर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स और दे गिव देम गुड सैलरी, राइट. बट दैट गुड सैलरी इज फार लेस इफ दे हायर ए ग्रेजुएट इन द यूएस. सो इट सूट्स दम. This is what neo-imperialism is. Economic globalization का agent कहा जाता है multinational corporations को या फिर transnational corporations को, कि इनसे जिन state में ये work करती हैं उन्हें benefit economically कम होता है, जबकि जिन states से इनका ताल्लुक है, जिस system में ये चल रही हैं, उन्हें benefit ज्यादा होता है. तो let's move ahead. Critically evaluate the strategically competitive dynamics of Pakistan-India relations in the context of Pakistan's growing ties with China and India's increased alignment with the United States. बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन ये IER के पेपर में आया हुआ है. तो IER के पेपर में क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जरूर अप्लाई करने हैं. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो ये जो चेंज ऑफ अलायंसेस हुआ है साउथ एशिया के अंदर, इंडिया हैज ज्वाइंड यूएस विजिबली एंड क्लियरली एंड पाकिस्तान इज नाउ वेरी मच विद चाइना इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक अलायंस, इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अलायंस. व्हेन वी कंबाइन देम टुगेदर, देन व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, राइट. तो उसके बाद आपने अपना जो जार्गन है आईआर का वो इसमें कंटिन्यू रखना है. बैलेंस ऑफ पावर का इसमें आपने जो डायनेमिक्स हैं वो जरूर बताने हैं. बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें एक मेथड अलायंस वर्सेस काउंटर अलायंस, तो वो आप बताएंगे. और उसके साथ साथ फिर आप कुछ फैक्चुअल डाटा देंगे कि क्यों पाकिस्तान चाइना की तरफ आ गया और क्यों जो है इंडिया अब यूएस के साथ है. फॉर एग्जांपल 2006 में प्रेसिडेंट बुश विजिटेड इंडिया और उसने सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया को ऑफर की. बाद में 4-5 साल के होमवर्क के बाद दोनों स्टेट्स ने वो डील कंक्लूड कर ली, राइट. वो उन्होंने क्यों की इंडिया के साथ, बहुत सीधी सी बात है, टू कंटेन द राइजिंग इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ राइजिंग चाइना, राइट. एंड पाकिस्तान, दे नेवर ऑफर्ड सच टाइप ऑफ डील विद पाकिस्तान. और फिर बाद में 2011 का जो ईयर था वो बड़ा बम्पी ईयर था फॉर द पाक यूएस रिलेशन, क्योंकि उसमें शुरू में रेमोंड डेविस का इशू हुआ,
फिर मई में, 2 मई 2011 को उसामा बिन लादन वाला जो ऑपरेशन हुआ, एबटाबाद ऑपरेशन वो, एंड देन लेटली इन द सेम ईयर इन नवंबर सलाला चेक पोस्ट पे जो अटैक हुआ। तो इससे पाक यूएस रिलेशन में डीरेलमेंट हो गई और अभी तक ये कोल्ड पाथ पे चल रहे हैं और जो सर्कमस्टेंसेज बन रहे हैं उसमें ये कोल्ड नेचर ऑफ पाक यूएस रिलेशन बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्जेंट इंटरेस्ट वो बढ़ती जा रही है, राइट? तो यही कुछ इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पेपर वन IR 2017 का। द नॉन स्टेट एक्टर्स एज अ मिलिट्री कंपेटिटर इज गेनिंग ग्राउंड इन द मिडल ईस्ट विद द राइज ऑफ ISIS। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन द यूनाइटेड नेशंस एंड मेजर पावर्स इंप्लीमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी इन इराक एंड सीरिया? देखिए जी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स की जो टर्म है ये 9/11 के बाद ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की डिस्कशंस में, राइटिंग्स में और एकेडमिक स्टफ के अंदर। नॉन स्टेट एक्टर, अलकायदा नॉन स्टेट एक्टर है, TTP नॉन स्टेट एक्टर है एंड ISIS भी नॉन स्टेट एक्टर है। इस वक्त एक मशहूर ज़माना अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो एनालिस्ट है जोसेफ ने, जिसने के कॉन्सेप्ट दिया था सॉफ्ट पावर का, तो उसने 4 बुक सिर्फ पावर पे लिखी हैं। तो फ्यूचर ऑफ पावर जो उसकी लास्ट बुक है उसमें उसने ये बात बयान की है कि नॉन स्टेट एक्टर एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर है, इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉर। कि आज की जिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ पे आसान नहीं है स्टेट्स का एक दूसरे से डिक्लेयर्ड वॉर करना, तो अब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो उसने आपसे इस सवाल में, दरअसल इराक और सीरिया का फ्यूचर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन स्टेट एक्टर पूछा है, राइट? आगे चलते हैं, अब हम पेपर 2 की तरफ जा रहे हैं। पेपर 2 पहला सवाल है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑफ टेररिज्म। अगर हम की टर्म देखें या की एरिया देखें इस सवाल में, तो वो है ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑफ टेररिज्म। देखें, 9/11 के बाद टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट एवॉल्व हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हो गई। जो कल तक फ्रीडम फाइटर्स थे, हीरोज थे, वो ओवरनाइट टर्न अप हो गए, देवर लेबल्ड एज टेररिस्ट। US ने पॉलिसी चेंज की, द वर्ल्ड वॉज बिहाइंड द US इन दिस पॉलिसी बिकॉज US अर्न्ड सिंपथी आफ्टर द 9/11 अटैक्स। द होल डायनेमिक्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर चेंज बिकॉज ऑफ ए सिंगल इवेंट, राइट? तो उसमें हुआ ये कि टेररिज्म जो है लाइमलाइट में आया एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए जार्गन, एज ए पॉलिसी और एज ए नैरेटिव, इंटरनेशनल नैरेटिव। तो अब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का या रिलेशनशिप का पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। देखिए, मैं आपको कुछ इवेंट्स बताता हूं। 9/11 हुआ तो शुरू में एस्केलेशन होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। एंड एज यूजुअल इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर द अटैक ऑन इट्स पार्लियामेंट। देर वॉज अ स्टैंड ऑफ ऑफ 2 ईयर्स ऑन द बॉर्डर एंड आफ्टर दैट द आइस मेल्ट। सार्क समिट हुई 2004 में और 2004 में जब तशरीफ लाए इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, तो यहाँ पे एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ जिसके बाद एक पीसफुल फेज आया, एक हम कह सकते हैं दितैंत आया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4-3-1 सालों का, 2004 से 2007 तक चला। इसमें कॉम्पोजिट डायलॉग में काफ़ी सारा काम हुआ, विजिट्स हुए, एक्सचेंजेस हुए, पब्लिक टू पब्लिक एक्सचेंजेस भी हुए, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के हाई लेवल एक्सचेंजेस भी हुए, बैकडोर चैनल भी एक्टिव था, वगैरह वगैरह। और सरकरी के बारे में अगर हम, खुर्शीद कसूरी साहब जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक नेदर हॉक नॉर डव में लिख दिया है कि सरकरी वॉज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड बाय द बोथ साइड्स। मनमोहन वॉज अबाउट टू विजिट टू पाकिस्तान इन 2007 बट बिकॉज ऑफ आर ओन पोलिटिकल टर्मोइल, दैट वॉज अ जुडिशरी मूवमेंट, ही नेवर विजिटेड। तो ये काम नहीं हो सका। और फिर जब 2008 में इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट आई, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो थे मौजूद इंडिया में,
to have a talk with the Indian leadership. Let's begin the composite dialogue again. तो फिर मुंबई टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं. वो दिन है और आज का दिन है. नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म, ये दो टर्म्स, दो कॉन्सेप्ट्स, ये इन्होंने हाईजैक कर लिया है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को. और 9/11 के बाद जो टेररिज्म का नैरेटिव एवॉल्व हुआ, उससे सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुई हैं दुनिया में दो मूवमेंट्स, वो पैलेस्टीनियन फ्रीडम मूवमेंट है और कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट है, वो अफेक्ट हुई है. तो अब इन्होंने ये सवाल आपसे ये पूछा है कि टेररिज्म की कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को बताएं. जाहिर सी बात है वो ये पूछ रहा है कि टेररिज्म की वजह से किस तरह से ये काफी अरसे से डिटेल्ड हैं, दोनों का एक दूसरे की तरफ ब्लेम क्या है. जैसे हम कहते हैं कि इंडिया इज डूइंग प्रॉक्सी वॉर्स बाय यूजिंग द अफगान सॉयल इनसाइड बलूचिस्तान एंड फाटा एंड अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और कुलभूषण की जो अरेस्ट को हम देख लें तो ये चीज काफी हद तक वाजे भी है. और इंडिया का क्लेम ये है कि कश्मीर में इस वक्त जितना भी अनरेस्ट है वो इंडिजिनस नहीं है, बट दैट इज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान. उड़ी अटैक हम पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट से हुआ, उनका जो एक एयरबेस था पंजाब में समवेयर पठानकोट, राइट, वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट से हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह. तो अब अगर टॉक्स दोबारा शुरू करने की बात होती है तो पाकिस्तान का कहना है कि वी वुड लाइक टू टॉक ऑन कश्मीर एंड ऑल अदर इश्यूज, बट इंडिया इज ओनली इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म. सो दैट इज वाई देर इज अ स्टेलमेट एंड नो होप इज इन साइट इन फ्यूचर, राइट. अच्छा जी, इलेब फिर है, डिटरमिन द फैक्टर्स इन इमरजेंस ऑफ न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, हाईलाइट योर डिस्कशन विद प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पाकिस्तान. अब ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जिसको कि हम न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ IMF, इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, इन द फॉर्म ऑफ नाउ WTO और लियर गैट, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात पूछ रहा है कि पाकिस्तान का जो इंटरेक्शन है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ किसी भी किस्म के रिलेशनशिप के एक्सचेंज में डेवलप हुई, आप वो बताएं, लेकिन उसको कोरिलेट करें न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के साथ. जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में आपको एक साइड लेनी होगी, जो भी पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, इट इज़ बिटर और स्वीट, आपने बताना है कि ये थेरी पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सपोर्ट करती है, कोई कंसिडरेबल चेंज वहां पर लाती है या नहीं. आगे चलते हैं जी. How can the energy crisis of Pakistan be resolved? Emphasize your discussion vis-a-vis China-Pakistan economic corridor. इस सवाल के अगेन दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा 5 नंबर का है, जिसमें आपने ब्रीफली बता देना है अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली कि किस तरह से पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व किया जा सकता है. लेकिन असल जो सवाल है 15 मार्क्स का, वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट. अब इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, CPEC के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और उनके कम से कम नाम आपको पता होने चाहिए. अगर आपको 4 प्रोजेक्ट्स के नाम आते हैं जो विद द CPEC अटैच्ड हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो उससे पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस का जो मसला है, यानी कि जो हमारा शॉर्टफॉल है, वो किस तरह से कवर हो सकता है, राइट. इसके बाद है जी, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन परस्पेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. हाँ जी, ये क्वेश्चन क्यों आया 2017 के पेपर में, याद करें 2016 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्टेटमेंट था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी से यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकते हैं. और ये थ्रेट देने के बाद उसने एक मीटिंग्स भी बुलाई कंसर्न मिनिस्टर्स की और एक्सपर्ट्स की, बट दैट वाज होल ड्रामा, क्योंकि उस वक्त किसी इंडियन स्टेट में, मुझे उसका नाम याद नहीं है, इलेक्शंस थे और बीजेपी ने जो सारी विक्ट्रीज ली हैं रिसेंट इलेक्शंस में, और जनरल इलेक्शन जो 2014 में हुआ इंडिया में, उसमें भी वो सारी एंटी पाकिस्तान कंटेंट को सेल करके ली हैं, राइट. तो बहरहाल ये स्टेटमेंट उसने दिया,
तो इसलिए ये सवाल जो आपका एग्जामिनर है वो उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका, और उसने सवाल दे दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आप बयान करें इन परस्पेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है एज फार एज इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसर्न, इंडियन नैरेटिव क्या है? बगलियार डैम, किशन गंगा डैम, वलर बैराज, तीन केस स्टडीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द मैगजीन्स, एट टाइम्स आर्टिकल्स कम इन न्यूज पेपर्स टू, जो सी एस एस वाले एस्पिरेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो आपने बस उसको इस क्वेश्चन में फिट कर देना है तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, डिस्कस न्यूक्लियर फैक्टर एज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद रेफरेंस टू यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखें इस पूरे क्वेश्चन में ना जो समझने की चीज है, एक तो वो फ्रेज है न्यूक्लियर फैक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर फैक्टर कहां पे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी है, पूरा वर्ल्ड इसमें आ जाता है। उसमें उसने फर्दर आपको कंसाइज कर दिया है, लिमिट कर दिया है कि आप परेशान ना हो किस कॉन्टेक्स्ट में, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बिगिनिंग से लेके इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील होने तक जो है ये चीज शामिल है इसमें। जैसे जब इंडिया वो यूएस वॉज विद अस इन द अफगान जिहाद और अफगान वॉर फ्रॉम 79 टिल 89 और 90, उन्होंने हमें कोई सैंक्शंस नहीं लगाए, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत आसानी से डेवलप कर गए, जो कि इन रिएक्शन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट 1974 था, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जी 98 में दोनों स्टेट्स जो हैं वो कर लेती हैं न्यूक्लियर टेस्ट कर लेती हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेती हैं, अगेन हम रेसिप्रोकेट करते हैं, अगेन हम डेटरेंस मेंटेन करते हैं, वो जो 5 या 6 हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया। उसके बाद कारगिल वॉर होती है, कारगिल वॉर के टाइम पे जो उस वक्त का अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, वो कहता है साउथ एशिया इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, ठीक है, एंड कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिकॉज इट कैन ट्रिगर ए न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू राइवल न्यूक्लियर पावर्स ऑफ द रीजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं मजीद, 2004 में कदीर खान एपिसोड हो जाती है, आपके ऊपर इंटरनेशनल इल्जाम लग जाता है कि आपने ट्रेड ऑफ किया है न्यूक्लियर सिनेटरी फ्यूजेस विद ईरान और लीबिया। खैर, उसके बाद 2006 में यूएस ऑफर करता है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील टू इंडिया, और उसके बाद से एक ग्रेजुअल डेक्लाइन आता है पाक यूएस कॉपरेशन में भी और पाक यूएस कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट में भी। इंडिया बिकम्स क्लोजर टू यूएस एंड वी बिकम एंड वी आर बिकमिंग क्लोजर टू चाइना एज वेल एज विद रशिया, राइट। तो ये इट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर, यू मस्ट कम अप विद दीज फैक्ट्स इन द आंसर। पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज हिट बाय ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स, व्हाट कैन बी द वेज एंड मीन्स टू मैनेज क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन जब सब समझ बैठते हैं कि ये तो पेपर करंट अफेयर वाला आ गया, उसी वक्त आप अपने आधे से ज्यादा नंबर कटवा बैठते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं, पिछली टॉक्स में भी मैंने कहा है कि आईआर एक सब्जेक्ट है प्रॉपर, उसका एक जागरण है, टर्मिनोलॉजी है, थेरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। करंट अफेयर एक पेपर है, उसके लिए ना तो थेरीज रिक्वायर्ड है ना कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, ठीक। तो लिहाजा ओवर एक्साइटेड ना हो किसी भी क्वेश्चन को देख के, अगर वो आपको लगे कि ये करंट अफेयर क्या है। अब जो ये क्लाइमेट चेंज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद क्यूटो प्रोटोकॉल, पाकिस्तान दोनों का सिग्नेटरी है। फिर हमारी जो नेशनल पॉलिसी है एनवायरनमेंट की, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं,
फिर हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी साइन भी कर लिया, रेटिफाई भी कर लिया है, तो आर वी इन अ पोजिशन, डू वी हैव अ प्लान वगैरह वगैरह। तो आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्चुलाइज करना है इस क्लाइमेट चेंज वाले क्वेश्चन पे, जो कि पाकिस्तान के ऊपर इसके इंपैक्ट की बात कर रहा है, राइट। हमने डिस्कशन काफी कर ली क्वेश्चंस के ऊपर। अब मैं जनरली बताऊं, चार क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नंबर वन टिप, आपका हाथ इतना तेज चलना चाहिए कि आप 40 मिनट्स के अंदर एक सवाल लिख लें। नंबर टू, चार सवाल डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में आप मैप बना देते हो, एक क्वेश्चन में आप कोई टेबल बना देते हो या इलस्ट्रेशन बना देते हो या कोई डायग्राम बना देते हो, और किसी एक क्वेश्चन में आप कोटेशंस या फिर कुछ बुक्स और ऑथर्स के नाम, अगर ये भी नहीं है तो आप ए स्टेट बी वाली इलस्ट्रेशन करके काम चला सकते हैं। लेकिन चारों क्वेश्चन का मेकअप, आंसर्स का मेकअप डिफरेंट होना चाहिए, देन यू कैन से यू हैव क्रिएटेड डिफरेंस एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो प्लीज इसको जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आपको नंबर आईआर में जरूर मिलेंगे। अब मैं मूव कर रहा हूं करंट अफेयर के और पाक अफेयर के पेपर्स की तरफ। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपकमिंग जो एग्जाम है फरवरी में 2018 का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं, राइट। ओके जी, मैंने डेलिबरेटली पाक अफेयर्स का पेपर 2016 वाला निकाला है जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त। इसमें ये मैं आपको बताता चलूं कि जब सिलेबस चेंज हुआ 2015 में, तो एवरीबडी वॉज थिंकिंग दैट ओनली पोस्ट पार्टीशन विल कम इनटू द पाक अफेयर्स पेपर एंड देवर आफ्टर इट। अब पेपर क्या हुआ, पेपर में पहले चार सवाल जो हैं वो आ गए प्री पार्टीशन से, और बाकी तीन सवाल जो हैं वो आ गए पोस्ट पार्टीशन से। हम चूंकि ऊपर से पेपर क्वेश्चन नंबर टू से पढ़ना शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर एट तक आते हैं, तो एग्जाम चूंकि एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है, कंपटीशन का एग्जाम है, तो हम अंडर प्रेशर बहुत जल्दी आ जाते हैं कि ओहो मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, अब क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप नीचे वाले तीन क्वेश्चन को देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 2016, तो ये वो क्वेश्चन है जो पोस्ट पार्टीशन में ऑलमोस्ट सबने तैयार किए थे, राइट। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। राइट नोट ऑन द पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट रोल डू यू फोरसी फॉर पाकिस्तान इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स इन द नियर फ्यूचर। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी ने तैयार किया हुआ था, लेकिन वो शुरू में ही घबरा गए। क्वेश्चन बहुत सीधा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में 9/11 के बाद क्या चेंजेस आए वो बताएं, ये पहला हिस्सा है। और अब हर फॉरेन पॉलिसी की एक रीजनल डायमेंशन होती है, एक ग्लोबल डायमेंशन होती है, तो इन्होंने पूछ लिया है आपसे कि जो अभी चल रहा है सिनेरियो, हाँ, रीजनल और ग्लोबल, उसमें पाकिस्तान की फ्यूचर में पॉलिसी क्या हो सकती है, राइट। अगेन, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द कश्मीर प्रॉब्लम इन इट्स एंटायरिटी, थ्रोइंग लाइट ऑन द बैकग्राउंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दिस कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखें, इस क्वेश्चन के अगेन दो हिस्से हैं। उसने पहले कहा है राइट ए नोट ऑन, सॉरी, डिस्कस द कश्मीर प्रॉब्लम इन इट्स एंटायरिटी। एंटायरिटी मीन्स शुरू से लेके आखिर तक आपने एक समरी बना के लिखनी है कश्मीर इशू की, 47 से लेके टिल टुडे क्या होता रहा। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बताएं। वो जो वर्जन है हमारा, कि पाकिस्तान का वर्जन ये है कि पाकिस्तान एक पार्टी है कश्मीर की, इंडिया एक पार्टी है कश्मीर इशू की, डिस्प्यूट की, और कश्मीरीज भी पार्टी है। इंडियन नैरेटिव क्या है कि इंडिया एंड पाकिस्तान, दीज आर टू पार्टीज टू द कश्मीर डिस्प्यूट, वो कश्मीरीज को कंसिडर नहीं करते। ये तो है ट्रेडिशनल जो है बैकग्राउंड इसका, या माइंडसेट जो भी प्रिवेल कर रहा है अभी तक, पॉलिसी में भी यही है, लेकिन वो सॉल्यूशंस की तरफ बात कर रहा है। तो मुशर्रफ एरा में 2004 के बाद, आई थिंक 5 या 6 में,
फोर पॉइंट्स मशहूर ज़माना मुशर्रफ का कश्मीर सॉल्यूशन का फार्मूला आया था। तो दरअसल इसमें उसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी आपने उसकी फेवर में भी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी लिख देने हैं और आपके एनालिसिस के मुताबिक उसमें फ्लॉज क्या थे वो भी आपने लिख देने हैं। ये है इस क्वेश्चन में लिखना। और कश्मीर का है तो यू कैन ड्रॉ ए मैप ऑफ कश्मीर टू। याद रखें जो कश्मीर रीजन है वो बहुत बड़ा है, उसमें एजेके भी आता है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, उसमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता है और थोड़ा सा हिस्सा चाइना के भी आता है। तो मैं कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूँ, इस वक्त कश्मीर इंडियन हेल्ड या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल यू कैन ड्रॉ ए मैप इन दिस क्वेश्चन विच आई एम टेलिंग यू। आप जो कुछ एग्रीमेंट्स हुए या कुछ टॉक्स शुरू हुई कश्मीर रिलेटेड, आप उनको एक टेबल में बना के लिख सकते हैं मार्कर से ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ये भी एक तरीका है डिफरेंस क्रिएट करने का। फिर है जी राइट नोट ऑन द पाक ऑन द अफगान वॉर सिंस 1979 एंड इट्स इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। हाउ फार द एमर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिकेड्स लॉन्ग वॉरफेयर इन अफगानिस्तान। देखें ये आपके पाक अफेयर और आईआर दोनों के सिलेबस में अफगानिस्तान वॉर से एसोसिएटेड जो पाकिस्तान के मसाइल रहे हैं एक एक बुलेट मौजूद है। उन्होंने डिटो बुलेट दो तीन लफ्ज चेंज करके यहां पे कॉपी कर दी है। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, इसमें तीन फेजेस बनेंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान इशू के साथ और अफगानिस्तान के साथ इंगेजमेंट के। पहला फेज शुरू होगा 1979 टू 1989, दूसरा फेज शुरू होगा 1992-2001 और फिर तीसरा फेज शुरू होता है 9/11 से टिल टुडे। तो आपको तीन फेजेस में डिवाइड करके ये क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, राइट? अब देखें तीन क्वेश्चन पोस्ट पार्टीशन से है, आपने टोटल करने होते हैं चार, राइट? तो तीन क्वेश्चन तो आपने कर लिए। अब एक क्वेश्चन तो अगर प्री पार्टीशन से चार क्वेश्चन ऊपर आ भी गए तो वैसे ही इंसान कर ही लेता है जब सर पे पड़ जाए, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब मैं चल रहा हूं करंट अफेयर के पेपर की तरफ जो मेरे पास 2016 ही का शायद मौजूद है इस वक्त। 2017 का पेपर मैं पहले डिस्कस कर चुका हुआ हूं आप लोगों के साथ लास्ट टॉक में, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, राइट? इवन देन यू कैन इनबॉक्स योर क्यूरीज एंड यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी योर क्यूरीज टू। डिस्कस इन डिटेल the efficacy of counter-terrorism measures adopted by the government, especially with reference to National Action Plan, NAP. देखें 2014 में होता है दिसंबर में APS का वाकया और 15 में National Action Plan तभी बन जाता है, 15 में policy changes भी आ जाते हैं। तो 16 का ये paper है तो obviously ये चीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा limelight में थी National Action Plan, तो इसलिए ये question आया। उसने नेशनल एक्शन प्लान को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक हिस्सा है काउंटर टेररिज्म, एक हिस्सा है सिक्योरिटी और एक हिस्सा है रिफॉर्म्स का। रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वो है मदरसा रिफॉर्म्स, मदरसा रजिस्ट्रेशंस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म्स, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो तो टेम्परेरी है और आपको बहरहाल अपना जुडिशियल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करना होगा। दूसरा इसका हिस्सा आ जाता है सिक्योरिटी में, यानी सिक्योरिटी को पाकिस्तान के सिटीजन्स की सिक्योरिटी को, सिटीज़ को और स्पेशल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। और तीसरा इसका हिस्सा है काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब पहले से शुरू हो चुका था जून 2014 में और उसके बाद अब ऑपरेशन रादुल फसाद जारी है। ये दरअसल काउंटर टेररिज्म के ही मेजर्स हैं और जितनी सक्सेस पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो पुलिस और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अचीव की हैं वो सारी आप इसमें लिख सकते हैं। आपको अगर तीन चार वाकयात याद हैं, अब जैसे कि अगर यही क्वेश्चन दोबारा 18 में आ जाए तो आप लिख सकते हैं पेशावर में जो अभी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जो कि पुलिस ने सारा ऑफेंसिव जो है उसको डील किया और बहुत बेहतरीन अंदाज हैंडल कर लिया। उससे पहले बाचा खान यूनिवर्सिटी का हुआ था, आप ये सारे वाकयात बता सकते हैं क्योंकि इनमें ऑल दो लॉस था बट कंसिडरेबली कम था और रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट और फास्ट था, राइट? तो ये काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है तो सक्सेसफुल बातें देखेंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन अलग चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अलग हो रहे हैं, पंजाब में CTD ऑपरेशन कर रही है, कराची में रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है और बलूचिस्तान में जो है FC और आर्मी FC का ऑपरेशन जारी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये फलां वाकया टेररिज्म का फलां
वाकयात जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपने यहां पर काउंटर टेररिज्म की अगर आप फेलियर्स लिखेंगे तो आपको सक्सेसेस भी लिखनी है, सिर्फ एक साइड पे नहीं रहना, राइट। इसके बाद है जी, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ डेट रिडक्शन एंड एनहांसिंग एक्सपोर्ट कैपेसिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन 2016 में आया, लेकिन अगर हम 2018 के आने वाले पाक अफेयर या करंट अफेयर की क्वेश्चन की बात करें तो इस वक्त जो इकोनॉमी में सबसे वरीसम स्टेट ऑफ अफेयर चल रहा है वो है हमारा डेट का इशू, फॉरेन डेट का इशू, और दूसरा हमारा इशू है एक्सपोर्ट्स डेफिसिट का, तीसरा आ जाता है करेंसी की डिवेल्यूएशन, लेकिन करेंसी डिवेल्यूएशन इज हाईली टेक्निकल, वो शायद ना ही पूछी जाए, लेकिन फॉरेन डेट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो 70 इयर्स की जो लोएस्ट उसका लेवल है उस पर आया हुआ है, ये सवाल दोबारा आ सकता है। तो लिहाजा आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के चैलेंजेस में फॉरेन डेट का चैलेंज और जो एक्सपोर्ट डेफिसिट का चैलेंज है उसे अच्छे से पढ़ें, और जो युआन करेंसी का इशू है उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लें। पिछले दिनों डॉक्टर फारूक सलीम साहब का एक आर्टिकल आया था कि अगर पाकिस्तान डॉलर से युआन में एक्सचेंज करता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, आप जस्ट गूगल पे लिखें आर्टिकल्स ऑफ डॉक्टर फारूक सलीम तो आर्टिकल्स की लिस्ट आ जाएगी लिंक पे क्लिक करने के बाद, और उस पे आर्टिकल का टाइटल ही YUAN जुआन लिखा हुआ है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाउ विल सीपैक बिकम ए गेम चेंजर फॉर द रीजन। देखें ये क्वेश्चन 2016 में ही आया और एक डिफरेंट फेज के साथ 2017 में भी आया हुआ है, तो दो दफा लगातार सीपैक पे काफी क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं। अब सीपैक पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, वन बेल्ट वन रोड पे एक्सपेक्टेड है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। यहां पर इसने पूछा है कि चैलेंजेस क्या हैं। अब चैलेंजेस तीन किस्म के हो सकते हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस और सिक्योरिटी चैलेंजेस। अगर आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं भी आते सीपैक की कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो आप पॉलिटिकल चैलेंजेस और सिक्योरिटी चैलेंजेस से काम चला सकते हैं, क्योंकि सीपैक एंटर्स इन पाकिस्तान फ्रॉम द गिलगित बल्तिस्तान विच हैज क्रिएटेड अ फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर पाकिस्तान बिकॉज यूएस एंड इंडिया इज सेइंग इट इज पासिंग थ्रू अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एटसेट्रा एटसेट्रा एंड देन इट हैज टू एंड इन बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान इज अगेन इन द लाइन ऑफ फायर ऑफ ग्रेट गेम, वहां पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और आज के नहीं हैं, आपने उन सिक्योरिटी के इश्यूज को बताना है कि किस तरह से वो आ सकते हैं। और फिर अगला हिस्सा है क्वेश्चन का, या विल इट बी अ रीजनल गेम चेंजर, क्या ये रीजन की रीजन की जो है किस्मत बदल देगा इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि साउथ एशिया कोई इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड रीजन तो है नहीं, सेंट्रल एशिया भी डेवलप्ड रीजन नहीं है वगैरह। सॉरी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डू यू सी रीसेंट डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू डिटोरिएटिंग रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान, व्हाट रोल इफ एनी पाकिस्तान कुड प्ले इन रिड्यूसिंग द टेंशंस बिटवीन द टू मुस्लिम कंट्रीज, राइट। देखें ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैंने पिछली टॉक में बताया था तीन किस्म के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन अलग होता है और जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो अलग होता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन अलग होता है। ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ये है ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, इस क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं और आपको तीन हिस्सों पे बात करनी। नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ के घबरा जाते हैं और जो उन्हें आता भी है उस पे लिखने के लिए उनके जहन में होता है वो नहीं लिख पा रहे होते, राइट। तो अपनी नर्व्स को जरा कंट्रोल में रखें तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, उसको पीसेज में बताता हूं आपको कि जिस तरह से उसने पूछा है। वो पहले कह रहा है हाउ डू यू सी रीसेंट डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट, यानी जो चेंजेस पॉलिटिकली आ रही हैं मिडल ईस्ट में वो आपको कैसी लग रही हैं। अब जिस वक्त ये पेपर आया 2015 में मिडल ईस्ट के हवाले से सबसे बड़ा जो चेंज था वो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे प्यार से इंडो ईरान यूएस न्यूक्लियर डील कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील विद द P5+1 भी उसे कहते हैं।
इस डील से ईरान को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि उसकी सैंक्शंस रिमूव होगी, नाउ ईरान कैन ट्रेड विद द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड कैन ट्रेड विद ईरान विदाउट एनी हेजिटेशन, कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रेंट्स, राइट। तो इससे जो जियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है मिडल ईस्ट वो चेंज हो गए, क्योंकि आफ्टर सऊदी अरेबिया ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एज वेल एज गैस इन मिडल ईस्ट। सऊदी अरब का सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके अलावा सऊदी अरब और इसराइल इन्होंने रिजेंटमेंट का, नाराजगी का इजहार किया विद द यूएस, क्योंकि ये पुराने एलाइज थे इनके, राइट। तो ये मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में चेंज आई और ईरान वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सीरियन सिविल वॉर। तो अब जब खदशात यही हैं जो ओपोजिट कैंप है ईरान का, कि ईरान एक सेंक्शन फ्री ईरान कैन बी मोर कोलोसल और कैन बी मोर लिथल एज फार एज सीरियन सिविल वॉर इज कंसर्न्ड। ठीक है जी, अब वो कह रहा है इसका अगला हिस्सा कि पर्टिकुलरली विद प्रेफरेंस टू डिटोरिएटिंग रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। हुआ ये था कि एक एक ईरानियन लीडर को सऊदी अरब में डेथ सेंटेंस दे दी गई, जब उसे एग्जीक्यूट किया गया तो उसके बाद ईरान के अंदर एंटी सऊदी जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हो गए और सऊदी एम्बेसी को आग भी लगा दी गई। तो इस वक्त पाकिस्तान ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया, बैलेंसिंग रोल प्ले किया पीसफुल मेडिएशन का। द देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ, दे बोथ विजिटेड फर्स्ट सऊदी अरेबिया एंड देन पाकिस्तान एंड दे रिमेन सक्सेसफुल एट लीस्ट टेम्परेरली टू मिनिमाइज देयर हॉट डिबेट्स और देयर एक्सचेंज ऑफ बेटर स्टेटमेंट्स, ठीक, बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। अब वो आखिर पे कह रहा है, व्हाट रोल इफ एनी पाकिस्तान कुड प्ले इन रिड्यूसिंग द टेंशन बिटवीन द टू मुस्लिम कंट्रीज। बहुत सिंपल, पाकिस्तान कैन मीडिएट, पाकिस्तान कैन ऑफर इट्स गुड ऑफिसेस टू बोथ कंट्रीज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टेंशन बिटवीन, नॉट ओनली बिटवीन देम बट इन द रीजन टू। एग्जामिन द इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन चाइना एंड यूएस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑर्डर। अगर इस सवाल को मैं आईआर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूं तो ये सवाल ये कह रहा है कि डिक्लाइनिंग यूनिपोलैरिटी का कंपैरिजन कर लें एवॉल्विंग या इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी से। मल्टीपोलैरिटी में एट द फोरफ्रंट चाइना है और डिक्लाइनिंग यूनिपोलैरिटी में एट द फोरफ्रंट यूएस है। तो इनके जो पॉलिसी नैरेटिव्स हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं काफी एरियाज में, उसका इसने अहवाल पूछा हुआ है आपसे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स और AIIB ये चाइना चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर का एक फर्स्ट इम्प्रेशन है जो कि दुनिया ने देखा है। अब देखना ये कि ये किस कदर कामयाब हो पाता है या टफ टाइम दे पाता है। डिस्कस द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड एंड द मेजर रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द पेरिस कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस दिस इशू। देखें, उस वक्त दिसंबर के लास्ट वीक में पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था 2015 में, और 2016 के आपके पेपर में जो कि 2 माह बाद आया उसमें यह सवाल इंक्लूडेड है। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड लेवल पे, मतलब IAR या वर्ल्ड अफेयर्स में ना 3 C's होते हैं, 3 C's होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन की 2 विजिबल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एक तो जो है ये पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज और एक है ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई है P5+1 की। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा डेंट आया है 2017 में, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसर्टिफाई कर दिया है ईरान वाली डील को और उसने विदड्रॉ का डिक्लेयर किया है फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। बट इवन देन दीज एग्रीमेंट्स आर स्मूथली रनिंग, इट इज स्मूथली रनिंग मींस जो अदर पार्टीज हैं इसमें इन्वॉल्व, चाहे वो यूरोपियन पावर्स हैं या एशियन पावर्स हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द पाथ फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा जी, काफी बात हो गई क्वेश्चंस की, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपने स्टेटमेंट को कैसे समझना है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, आ सकता है।
एग्जाम में। तो इस वक्त मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगा, मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बता रहा, इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएगा, राइट। और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं वो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड सम ऑफ देम इन द एसे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। और मैं कोशिश करूंगा कि आईआर के बारे में भी बता दूं, लेकिन अगर आईआर के बारे में आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी तो वी कैन हैव अनदर टॉक लेटर ऑन आफ्टर वन और टू डेज, राइट। ओके जी, करंट अफेयर्स, राइट। अब करंट अफेयर्स याद रखें, एक तो आईआर के पेपर वन में भी अब करंट अफेयर की चीजें ब्लेंड होके आ रही, अगर उसमें ना आए तो पेपर टू, जिसको कि आप करंट अफेयर का पेपर समझ रहे होते हैं, उसमें भी आ रही होती हैं और करंट अफेयर में भी हैं। तो ये जो मैं अब टॉपिक्स बताने लगा हूं, ये या पेपर टू में आ सकता है या ये करंट अफेयर के पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले जी, एक तो चाइना का ग्लोबल रोल है ना, अब चाइना का एक और रोल भी है, चाइनीज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द साउथ एशियन अफेयर्स, यानी चाइनीज रोल, न्यू रोल ऑफ चाइना इन साउथ एशिया। इससे पहले मतलब 3-4 साल या 5 साल पहले तक जो हेजमोनी रही है वो इंडिया की रही है साउथ एशियन अफेयर्स के ऊपर, और जो उससे टफ टाइम या कॉम्पिटिशन मिला है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से मिला है। लेकिन अब अगर हम एग्जाम्पल लें आई थिंक 2015 की, तो 2015 में नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। नेपाल इज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लाइंट स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर, नेपाल इज लैंडलॉक्ड स्टेट एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर देयर ट्रेड। तो इंडिया ने उनकी जो लॉजिस्टिक सप्लाईज हैं वो डिस्कनेक्ट कर दी, क्योंकि बॉर्डर जो है क्लोज कर दिया विद नेपाल। एक्सक्यूज मी, डिस्क्लोज कर दिया। 15 दिन तक ऐसा ही रहा, इंडिया का ख्याल था कि वो नेपाल को नी डाउन कर लेगा, लेकिन फिर चाइनीज इंटरवेंशन होती है और इंडिया को बॉर्डर ओपन करना पड़ता है। इसके बाद जब ये साल जो 2017 है, इसमें आई थिंक जुलाई में क्या होता है कि भूटान और चाइना और इंडिया, इनका जो आपस में बॉर्डर है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल, तो वहां पर भूटान के और चाइना के बॉर्डर के करीब एक स्पॉट का नाम है ढोकलाम। चाइनीज उस ढोकलाम को अपनी टेरिटरी समझते हैं और वो वहां पर रोड बनाने जा रहे थे, जिस तो चाइनीज जो ट्रूप्स थे, जो कि इंजीनियरिंग कोर के शायद ट्रूप्स होंगे, उनको कन्फ्रंट किया इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने, और ये कॉन्फ्लिक्ट आईबॉल टू आईबॉल चलता रहा कोई 1.5 मंथ, राइट। एंड फिर फाइनली इंडिया एज वेल एज चाइना बोथ विड्रू देयर फोर्सेस फ्रॉम ढोकलाम, क्योंकि ब्रिक्स की समिट थी। अब इंडिया के पास दो ही ऑप्शंस थी, या तो वो इधर स्टैंड ऑफ कंटिन्यू करे, तो फिर ब्रिक्स में उसे टफ टाइम फ्रॉम चाइना फेस करना पड़ना था, और फिर दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप जो है ब्रिक्स को कंटिन्यू कर लें और फिल वक्त जो है इसको, इस चैप्टर को क्लोज करें। ये एक लंबा टॉपिक है, एक टॉक में बयान नहीं हो सकता, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डोकलाम वाले कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज रोल इन साउथ एशिया देख सकते हैं, इस पर सवाल आने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, फिर है जी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा मतलब स्टूडेंट्स को इंतजार होता है जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करें और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हम ना करें, राइट। देखें साल में क्या हुआ, इस साल में 3-4 बड़ी समिट्स हुई हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज समिट्स देखें, यूएन की तो हर साल ही होती, लेकिन इस साल 4 बड़ी हुई हैं। इसके अलावा सार्क समिट जो पाकिस्तान में होनी थी वो होते होते रह गई, कैंसल हो गई। तो फ्यूचर ऑफ सार्क, रिफॉर्म्स इन सार्क, काजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ सार्क, इंडो पाक राइवलरी हाईजेक्ट द सार्क वगैरह वगैरह, ये इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक समिट पाकिस्तान में और हुई, वो थी ईसीओ समिट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान होस्टेड ईसीओ समिट। तो ईसीओ ऑल्दो सिलेबस में मौजूद है, आईआर में भी,
क्रांच अफेयर में भी मौजूद है, पाक अफेयर में भी मौजूद है। तो ईसीओ पे सवाल इस दफा आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट के अलावा सवाल भी आ सकता है कि ईसीओ क्यों इतनी इफेक्टिव नहीं है जबकि एससीओ उसके बाद आई वो ज्यादा इफेक्टिव है वगैरह वगैरह। ईसीओ के फीचर के फ्यूचर के बारे में अगर आपने पढ़ना है, उस पर शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाए, एक राइटर है जावेद हुसैन, कॉलमिस्ट है, एम्बेसडर रिटायर्ड है, द नेशन में लिखते हैं, आप गूगल पे लिखें आर्टिकल्स ऑफ जावेद हुसैन तो वो लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में एक आर्टिकल का टाइटल है फ्यूचर ऑफ ईसीओ। आप सिर्फ अगर वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आप ईसीओ का सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एससीओ की भी समिट हुई, हर साल ही होती है, उनकी दो समिट दो गैदरिंग्स होती हैं। इसके अलावा एक समिट हुई है वन बेल्ट वन रोड पे। अच्छा देखें, हमारे यहाँ ना एक अजीब सा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि जब भी वन बेल्ट वन रोड की बात आती है तो हम फौरन सीपैक के ऊपर पहुंच जाते हैं। सीपैक इज ए कंपोनेंट और पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड। हाउएवर वन बेल्ट वन रोड इज अ ग्रेट गेम, इट्स अ ह्यूज प्लान लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2013 एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो वन बेल्ट वन रोड में सीपैक के अलावा और भी रास्ते, मैरीटाइम भी और रोड नेटवर्क्स और रेल नेटवर्क्स मौजूद हैं। तो इस साल के शुरू में 2017 में हैरान किया चाइना ने पूरी दुनिया को, वो किस चीज से किया, चाइना से एक ट्रेन चली और लंदन जाके वो रुकी। ये बात जब कही गई थी तो इट सीम्स इम्पॉसिबल बट चाइना मेड इट पॉसिबल। एक चीज ये हुई है वन बेल्ट वन रोड के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात ये कि मई 2017